सिनेमा घरों में पहुंची ऋतिक सैफ की फिल्म। रिव्यू करते हुए केआरके ने एक ट्वीट से उड़ाई धज्जियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा आज यानी शुक्रवार 30 सितंबर को सिनेमा घरों में पहुंच गई है। दोनों स्टार्स के फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और फिल्म की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स भी काफी अच्छी आई हैं। उम्मीद की जा रही है कि विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत कर सकती है। हालांकि इस बीच खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने विक्रम वेदा का रिव्यू करते हुए किसी की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की है। जैसा कि सभी जानते हैं, केआरके बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर काफी ट्वीट करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी कुछ लिखा था। इसके बाद उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म को लेकर भी कई सारी बातें कही थी। इसी क्रम में उन्होंने सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा का भी रिव्यू किया है। इसमें उन्होंने विक्रम वेदा के एक्शन सीन की तुलना भोजपुरी फिल्म से की है। केआरके ने अपने ट्वीट में अपने दोस्तों के नाम पर लिखा, मेरे दोस्तों ने विक्रम वेदा देखी। फिल्म के पहले हाफ में ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन को कॉपी करते नजर आए, वहीं दूसरे हाफ में अल्लू अर्जुन को क्लाइमेक्स सीन में दोनों अभिनेता 15 मिनट तक हवा में गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का एक्शन किसी भोजपुरी फिल्म से भी ज्यादा खराब है। यह फिल्म 3 घंटे के किसी टॉर्चर से कम नहीं है। सिर्फ 39% लोग विक्रम वेदा देखना चाहते हैं। यह यानी फिल्म पहले दिन करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। तो आप सबका इस पर क्या कहना है, बताइए हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को। धन्यवाद।